बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर है। तो इसमें जहाँ पे हमारा कल का लेक्चर रह गया था, वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम देख रहे थे कि जो मैथमेटिक्स का ऑर्डर है उसको हम किस तरह अरेंज करते हैं। उसके लिए एक हमने जो है नेमोनिक्स यूज किया कोड मास का, के ब्रैकेट्स ऑर्डर और उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लीकेशन BODMA हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास, मतलब इस फार्मूले के तहत हम हल करते हैं जो भी इक्वेशन या क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो कल हम उसकी एग्जांपल देख रहे थे। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, एवरेज पे। एवरेज क्या चीज होती है? कल हमने वैसे देखा था एवरेज को भी। एवरेज जो हम निकालते थे, मीन जो निकाल रहे थे और एक दो एग्जांपल देखी थी, वो एवरेज ही थी। लेकिन एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि एवरेज क्या होती है। एवरेज इज द क्वोशन्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम टोटल ऑफ ए सेट ऑफ फिगर्स बाय द नंबर ऑफ फिगर्स। सम टोटल ऑफ ए सेट ऑफ फिगर्स, ये जितनी फिगर्स दी हो, 7 8 जितनी भी हैं उनको जमा कर देना है, और जितनी फिगर्स हैं 7 हैं या 8 हैं उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। मतलब के सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, सारों को हमने ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देना है जितनी दफा वो नीचे वो नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास एवरेज निकल आती है। इन मैथ द एवरेज वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर इज द मिडल वैल्यू कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यू के टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज को किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज देन डिवाइड दिस टोटल बाय द नंबर। एग्जांपल के थ्रू ये देखें जी, एवरेज क्या चीज है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज। ये रुके, मैं जरा पोर्ट्रेट में कर लूँ इसको ना। अब देखिए, ये उसने एक नीचे एग्जांपल दी हुई है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 8, 11, 12, 14 एंड 20? तो ये कितने दिए हुए हैं? 8, 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको हम पहले जमा कर देंगे। ये देखिए, हमने इन्हें जमा किया यहाँ पे और डिवाइड कर दिया। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 थे, 5 के साथ डिवाइड कर दिया। जमा किया तो टोटल आया 65 और डिवाइड कर दिया, ये टोटल वैल्यूज 5 थी, तो आंसर आ गया आपका 13। ये एवरेज निकालने का तरीका कार है, ये हमने कल भी देख लिया था। आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 13, 26, 39, 52 एंड 65? यहाँ पूछा हुआ है। अच्छा, ये एक तरीका कार बताया हुआ है कि अगर वैल्यूज हो अपना ओड नंबर्स में, तादाद में, ठीक है, तो जो दरमियान वाली वैल्यू होती है वो ही एवरेज होती है, और वो सारी वैल्यूज अगर एक ही पैटर्न से जाती हो, जैसे ये देखिए, ये 13 की मल्टीप्लीकेशन है, 13, 26, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52 और 13 पांचे 65। तो ये 13 का जो है वो बनाया हुआ है कि 13 को 2 से ज़रब दी, 3 से 4 से 5 से, और ये ओड नंबर्स में है, तो इसमें जो दरमियान वाला नंबर होगा, मतलब के जो मीडियन होगा, वो ही इसकी एवरेज निकलेगी। अब ये बाज ये वाला ट्रिक क्यों पता होना चाहिए? सम टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चीजों को हल करना शुरू कर दें, ठीक है, उसको सारों को जमा करें फिर डिवाइड करें, हो सकता है ज्यादा हो, और आपने आइडिया लगा लेना है कि ये जो इसने अगर क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, हर किसी में मीडियन वैल्यू एवरेज नहीं होगी, सिर्फ उस क्वेश्चन में मीडियन वैल्यू एवरेज होगी जहां पे एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52 और 13 पांचे 65। तो यहाँ पे आप ये वाला तरीका भी कर सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यूज को आपने पहले प्लस किया, टोटल नंबर किए, उससे डिवाइड किया और आंसर, तब भी आपका 39 ही निकलना है। और अगर आप सिंपल ये वाला ट्रिक आजमाते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं 39 पे। एवरेज के बाद अब आगे चलते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन क्या होता है?
प्रॉपर पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब फ्रैक्शन फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रैक्टस मीन्स ब्रोकन। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, ब्रोक करना डिफरेंट पार्ट्स में। अब फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या होती है कि पूरी एक चीज है उसका पार्ट बताएगी, ठीक है, किसी चीज का पार्ट बताएगी। जैसे हम कहते हैं वन फोर्थ, वन फोर्थ मतलब एक चीज है वो पूरा उसका चौथा हिस्सा हम कहते हैं, ठीक है। या ये देखें इस तरह आप, ये एक चीज है और इसको आप चार में डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये वन फोर्थ पोर्शन होगा, वन फोर्थ पोर्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह हम इसको डिवाइड कर लेते कि इस तरह ये डिवाइड कर लें एक दो तीन चार पांच छह, तो इसमें अब जो हिस्सा होगा ये वन बाय सिक्स होगा, छठा हिस्सा इसका होगा, ठीक है। क्योंकि एक होल को हमने, एक मुकम्मल चीज को हमने छह हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन ये चीज बताती है कि कितना हिस्सा है फलां चीज, कितना हिस्सा है, ठीक है। जैसे ये डेफिनेशन में भी यही है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। When spoken in everyday English, a fraction describes how many parts of a certain size there are. For example, one half, eight fifth, three quarters. ये मतलब हम इसका अंदाजा इसी तरह लगाते हैं फ्रैक्शन का कि कितना हिस्सा है किसी चीज का। तो आगे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक ये वाली पिज्जे वाली देखें, वन फोर्थ पार्ट, चार हिस्से हैं तो इसमें से ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, वन फोर्थ हिस्सा कहलाएगा। अब फ्रैक्शन का बेसिकली बताने का मकसद क्या है, आपको बताने का मकसद ये है कि वो आपसे फ्रैक्शन निकालने का भी पूछ सकता है, आगे हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस हम निकालते कैसे हैं। वो ये भी पूछ सकता है, दो तीन फ्रैक्शंस दी हो वो आपसे पूछ ले इनमें से फ्रैक्शन कौन सी सबसे बड़ी है। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे न्यूमिरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको डीन्यूमिरेटर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, अ पार्ट ऑफ होल। अब क्वेश्चन देखिए, हाउ टू डिसाइड विच फ्रैक्शन इज लार्जर। उसने आपको ये तीन फ्रैक्शंस दे दी और उसने आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स का एक ये होता है कि आप किसी चीज का भी आंसर दो तीन तरीकों से निकाल सकते हैं और बाज़ का दो तीन तरीकों से निकाल सकते हैं, बाज़ का आप अपने माइंड सेट से उसका सिर्फ एनालिसिस करके भी चीजों का जवाब निकाल सकते हैं। एक तरीका अगर जवाब निकालने का ये भी होता है, आप आंसर्स देखते हैं, आंसर्स को बारी बारी फिट करते जाते हैं क्वेश्चंस में, तब भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। काफी सारे तरीकाकार होते हैं। अब ये एक तरीकाकार तो यहाँ सामने वाजिया हो रहा है कि एक तरीकाकार आप इनमें से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है ये भी निकाल सकते हैं। आप 2/7 है ना, दो को अंदर रखें, सात के साथ डिवाइड कर दें, जीरो पॉइंट लगेगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, सात दुनी 18, दो जीरो सात दुनी 18, मतलब के पहली क्वांटिटी 0.22 है, ठीक है। अगला आप देखें क्या है, 4/3। 4/3 का क्या मतलब है कि 4 अंदर आएगा और 3 बाहर आएगा, 3 × 3, 4 में से 3 गया, 1 0 लगाया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और 3 × 9 1.3, मतलब इसका क्या जवाब आ गया, 1.3। अब तीसरी को आप इसी तरह ले आए, तीसरी क्वांटिटी क्या है, 1/7, तो 1 को आप अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो एक सिफर का इजाफा करेंगे जो 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब 7 × 7 3 0, 7 × 2 = 28, 0.14 बनता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जवाब बनता है 0.14। अब इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, सारी बात है ये बड़ा है 1.3। एक तरीका कार है ये निकालने का, आपने बारी बारी सबको डिवाइड करके देख लिया, आपके सामने जो है वो जवाब आ गया खुद ही कि इनमें से 1.3। या एक तरीका कार ये है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होता है, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है डी न्यूमिनेटर के मुकाबले में।
आप एक वैसी गैस लगा लेते हैं यहाँ से एक के, या ये देखें 2.7 है, ये तो 7 डिवाइड होगा तो पॉइंट्स में आना है, ये 4/3 है, ऊपर 4 है, इसका मतलब जवाब 1 से ज्यादा आएगा, 1/7 है तीसरा, इसका जवाब भी फ्रैक्शंस में आएगा, तो आप 4 ही लगा लेंगे, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। अच्छा ये चीज तो होगी सिंपल क्वेश्चन में जिसमें सामने नजर आ रहा है, यहाँ तो मतलब नजर भी आ रहा है ना कि 4/3 इनमें सबसे बड़ा है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब 1 के अंदर आएगा, 1 point something के अंदर आएगा, और बाकियों का जवाब जो है अशारियों में आना है, जो है वो बाकी सारी छोटी हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं तो हमें फार्मूला भी याद होना चाहिए। फार्मूले में आपने कैसे याद करना है कि 737 है ना, तो आप इसका निकालेंगे लीस्ट काउंट डेसिमल, वो 7 निकलेगा, नहीं सॉरी 21 निकलेगा, ये आपको निकालना आता है ना, ये जिस तरह जब ये क्वांटिटीज ऐसे दी हुई हो, ये इधर मैं इनको करके साइड पे लिख लेता हूँ, 2.7, 4.3 और 1.7, ये आपको पता है ना कि ये इसको हम जब निकालेंगे तो 21 बनेगा, 7 या 21, ये नीचे वालों का जब अगर हम यू निकालने की कोशिश करें, 737, पहले ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे, 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 पे डिवाइड होंगे, 7 डिवाइड नहीं होता, 3 डिवाइड होता है 1, फिर 7 डिवाइड नहीं होता, अगली क्वांटिटी ये किस पे डिवाइड हो रही है, 7 पे, 7 पे 7 तकसीम हो गया, 1 7 पे 7 तकसीम हो गया, ये 2 ये आई, 7 3 21 आएगा, ये जो मैंने 21 निकाला इसका मैं बता रहा हूँ, इसका पता है ना ये 21 कैसे निकलता होता है, ये ऊपर क्वांटिटीज जब दी हूँ, ये मैंने साइड पे आपको निकाल के दिखाया है ऐसे। फ्रैक्शन निकालने के लिए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, एलसीएम। हाँ जी, अब 21 तो कॉमन आ गया, अब इनको हम तीनों को 21 के साथ कर लेते हैं, ठीक है, 2.7/21, नहीं ऐसा नहीं होगा, 2.2/7, 7 21, 3 2 6, 6/7, ये असल में मैथ का आप मुझे आपको यहाँ पे समझाना नहीं आ रहा, इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको समझाऊं कैसे इस बात को। अच्छा और तरीका आजमाते हैं, ये देखें, ये हम एलसीएम निकालते होते थे, अब ऊपर 2.7 को पहले हम करते हैं, 7 को 21 पे डिवाइड करें क्या आएगा, 3, 3 को आप इसके ऊपर वाले से जरब दे देंगे, 3 2 6, उसके बाद ये 3 जो नीचे वाला इसकी वैल्यू है डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड करेंगे जो नीचे हमारा एलसीएम निकल आया हुआ है, 3 को 21 पे डिवाइड करें क्या जवाब आएगा, 7, 3 7 21 होता है, 7 को ऊपर वाले से जरब दे देनी है, 7 2 4 28, उसके बाद तीसरी वैल्यू पे आ जाए 1/7 पे, नीचे वाली को पहले डिवाइड जो है 21 पे क्या जवाब आएगा, 7 3 21, उसके बाद 3 को जो है 7 3 21, 3 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से जरब दे दें, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू देख लेंगे इन तीनों में से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, दरमियान वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, तो दरमियान वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, यहाँ पे जिनका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट होगा एलसीएम वगैरह का उनको तो ये समझ आ गया होगा, छोटे बच्चों वाले, लेकिन ये कईयों को नहीं भी समझ आया होना अभी, और ये आना छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन ही है एलसीएम वाला। ये देखें ये 28 वाला दरमियान में बना, ये सबसे बड़ा था, बाकियों की वैल्यू पहले वाले की 6 बनी, दूसरे वाले की 3 बनी, या ये वाला तरीकाकार आप ना भी आजमाएं तो जो मैंने पहले वाला तरीकाकार बताया आपको, आपने क्या करना है जी, तीनों वैल्यूज को तकसीम कर देना है, पहले इसको वो पूछ लेते हैं फ्रैक्शन दी होती है कौन सी बड़ी है, आप इसको डिवाइड कर लें 2 को 7 से, 4 को 3 से और 1 को 7 से, ये
आपके जवाब आ जाएंगे अशारियों में, और जो दरमियान वाला है उसका जवाब 1 point समथिंग में आएगा, वो सबसे बड़ी रकम हो जाएगी आपकी। अच्छा, फ्रैक्शन के बाद अब आ जाते हैं हम परसेंटेज पे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज की डेफिनेशन देखिएगा, परसेंटेज की डेफिनेशन है, परसेंटेज आर रिलेटिव वैल्यू इंडिकेटिंग 100 पार्ट्स ऑफ एनी क्वांटिटी। एक चीज के जो अब 100 पार्ट्स कर दिए जाएं तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। मतलब 2% का क्या मतलब होता है? 2% का मतलब होता है 2/100। परसेंट से मुराद होता है 100, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन ये बन रहा है। अगर कोई आपको कहता है 1% से क्या मुराद है, तो 1/100, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001, ठीक है। ये तीनों वैल्यू सेम ही है, 1% सेम मुराद 1/100 है, और 1/100 से मुराद 0.001। नहीं, 0.001 नहीं, हाँ अब ठीक है, 0.01 है, ठीक हो गया। और 1% इज सिंबलाइज्ड एज, ये दूसरा पॉइंट पढ़िएगा स्लाइड के अंदर ही, ये वाला 1% सिंबलाइज, 1% इज ए 100 पार्ट थस 100% रिप्रेजेंट द एंटायरिटी। जब हम किसी चीज को कहते हैं कि ये 100% है, तो इसका मतलब है वो फुल बाय फुल है। एक बच्चे ने 100% नंबर लिए हैं, अगर 500 में से नंबर से, तो उसके 500/500 मार्क्स हैं, पूरे के पूरे हैं। अगर 100 में से नंबर से, तो 100/100 उसके मार्क्स हैं। जब हम कहते हैं एक बंदे ने 100% अचीव किया है अपना, और जब हम कहते हैं एक बंदे ने 200% चीज अचीव किया है, तो इसका मतलब होता है कि उस क्वांटिटी से भी 100 गुना ज्यादा, ठीक है। मतलब कि एक बच्चे ने 200% लिया, तो उसने 200 मार्क्स लिए हैं, पेपर 100 नंबर का था, मार्क्स उसने 200 ले लिए हैं, कैसा मजे की बात। तो इसको हम कहते हैं कि उसने 200% अचीव किया। परसेंटेज निकालते कैसे हैं वो अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिएगा, एक बटा 100 को जैसे मैंने आपको बताया था, 1% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरह 5% होगा तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100। और इसी को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 5×5 = 20, 1/20 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात की समझ आई कि तीन तरह हम लिख सकते हैं। एक बात है 5%, 5% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100, और 5/100 को आप अगर सिंपलीफाई करें तो 1/20 भी लिख सकते हैं। अगर एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है 5% को फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन क्या होती है, जिस अमाउंट में इस तरह बटा आ रही होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ रहा होता है, उसको कहते हैं। अब एक मैं आपको देता हूं परसेंटेज, उसको आपने चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है आपने, ठीक है। तो कैसे आप चेंज करेंगे, आप चेंज करें जी 2% को फ्रैक्शन में चेंज करें, 2% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप? बताइएगा 1/50, ठीक है। ये देखे ना, 2% है, तो 2% से मतलब है 2/100, और इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, और 50 को डिवाइड, 100 को 2×1 आ गया, और 50 पे डिवाइड किया तो 1/50 आ गया इसका। तो ये यूं भी क्वेश्चन आ जाता है फ्रैक्शन और परसेंटेज का, ठीक है, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाए।
और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, एक बटा दस को परसेंटेज में चेंज करें, जरा कैसे करेंगे? परसेंटेज क्या आएगी इसकी? 0.1। बिल्कुल ठीक है, ये तो आप सीधा सीधे इसको डिवाइड कर दें और लंबी कहानियों में तो जाने की जरूरत नहीं, एक डिवाइड कर दें 10 के साथ, 0.1 आ जाएगा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट ये पिछला और ये देने का मकसद ये था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, और इसके बाद हम देखते हैं परसेंटेज भी निकालते कैसे हैं। उससे पहले आप ये देख लें, देखें 5% को उसने 5/100 दिया हुआ है और 10% को उसने 10/100 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। हाँ जी, डिवाइड करने के बाद 100 से ज़रब दे दें तो परसेंटेज निकल आएगी। और हम परसेंटेज इस तरह कैसे निकालते हैं, मार्क्स वाली जो अभी सादिया भी बता दी थी वो देखिए, एक बच्चे के मार्क्स आए 150 आउट ऑफ 200, तो उसकी कितनी परसेंटेज बनी है? 150 नंबर आया है एक बच्चे का 200 में से, इसकी परसेंटेज निकालें। ऑब्टेन बटा टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज निकल आएगी, 150/200 जरबे 100, कितने परसेंट बने? 65% या 75%? 75% बने ना। हाँ जी, 75%। अब जब कभी आपके नंबर आया करेंगे, मैं आपका जब टेस्ट लेता हूं तो उसकी परसेंटेज आप निकाल लिया करेंगे, मतलब कि मैं आपसे आम तौर पे लेता हूँ 40 नंबर का टेस्ट, और एक बच्चे के नंबर आते हैं 25, 40 में से 25 आते हैं उसके नंबर, 40 नंबर का टेस्ट होता है, 25 नंबर आते हैं, इसकी परसेंटेज कितनी निकलेगी? ऑब्टेन्ड आप लिखेंगे, 25 ऑब्टेन हुए, टोटल 40 से ज़रब 100 कर देंगे आप, तो आपकी परसेंटेज निकल आया करेगी, ठीक है, अहमदा आपके जितने नंबर आया करेंगे, जितने में से आया करेंगे, 50 नंबर का फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 50 नंबर का आपको टेस्ट देता हूँ, उसमें से आपके 25 नंबर आ जाते हैं, आप कैसे करेंगे? 25 जो हासिल हुए नंबर डिवाइड करेंगे जितने में से आए, ज़रब 100 कर देंगे, इसका जवाब आप निकालेंगे तो 50% आपके नंबर आए, ठीक है। 40 नंबर का होगा तब भी यही करेंगे, 25 नंबर आए 40 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसको जमा तकसीम जरा करें तो कितने परसेंट बनता है ये 25 और 40 वाला, 0 से 0 कटा, 4 × 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, 25 को आप 2.5 से जरा दे दें, ये कितना बनता है? 25 को 2.5 से जरा देंगे अगर आप, 25 × 50, 50 और 12, 62.5, पच्चीस पाँच 125, 5 इधर आ गया, 12 उधर आ गया, 25 × 50,
पचास और बारह बासठ, ठीक है, 62.5 बने ये। तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। और कुछ आए ना आए, आपको अब ये पता होना चाहिए, जब भी आपके अंदर रिजल्ट आया करेगा ना, तो आपने उसकी परसेंटेज तो फौरन निकाल दिया करें, चाहे वो आपका मास्टर्स का रिजल्ट हो, चाहे आपका वो ये जो है पीपीएससी का रिजल्ट हो। पीपीएससी का तो 100 में से मार्क्स आते हैं, वो तो बिल्कुल ही सिंपल होता है। पीपीएससी के तो मार्क्स 100 में से आते हैं, आपके नंबर आ जाते हैं 60 तो 60% है, अगर आ जाता है 50% है, अगर आपके 54 नंबर आते हैं 100 में से तो वो 54% है। ये 100 नंबर वाला जब होता है ना, उसके अंदर तो जितने नंबर होते हैं उतनी ही परसेंटेज बनती है। लेकिन आपका टेस्ट, जैसे मैं कभी 40 का ले लेता हूँ, कभी 50 का ले लेता हूँ, तो वहां आपने ये अजमाना है, जितने नंबर आपके हासिल हुए, ठीक है, ऑब्टेंड बटा टोटल और मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह करके आपने आंसर निकाल दिया। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब वो कहता है कि कन्वर्ट 25% इनटू फ्रैक्शन, जो शुरू के अंदर आपको बताया कि फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तो 25 था परसेंट, 25 का मतलब होता है 25 बटा, परसेंट का मतलब होता है 100, इसको फ्रैक्शन में डिवाइड किया तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये भी इजी हो गया फ्रैक्शन निकालना परसेंटेज से, और अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालना वो भी आपका हो गया। आगे चलते हैं। ये अब आपको अगर उसने दिया होगा जी फ्रैक्शन, और कहा होगा कि परसेंटेज में चेंज करें फ्रैक्शन को, तो आपने उसको 100 से जरब दे देनी है। 3/4 एक फ्रैक्शन है, इसको वो कहता है परसेंटेज में चेंज करें, तो आप इसके साथ जब परसेंट लगाएंगे तो परसेंट की जगह आपको पता है आप 100 कर देते हैं, ये 100 आ गया, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, और ये 25 आ गया, 25 × 3 = 75% हो जाएगा। ठीक हो गया, 3/4 का मतलब है 75%। ये एक और एग्जांपल दी हुई थी परसेंटेज निकालने की ही। आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से इस तरह टेक्निकल भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्रेस 15 एज ए परसेंटेज ऑफ 75, ये 15 कितना परसेंटेज है 75 का। इस तरह के आपने क्वेश्चन अक्सर देखे होंगे, इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चन कि वो पूछ लेता है 15 कितना परसेंटेज है 75 का। तो इसमें आपने क्या करना होता है, फर्स्ट क्वांटिटी को ऊपर रखना है, सेकेंड क्वांटिटी को नीचे रखना है और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। पहली क्वांटिटी क्या थी 15, दूसरी क्वांटिटी क्या थी 75, और जरब 100 कर दिया, या वही वाला आप फार्मूला लगा लें, ऑब्टेंड बटा, ये ऊपर वाली आ गई ऑब्टेंड, नीचे आ गया जी टोटल, बात वही है लेकिन अल्फाज का हेर फेर। वो यहाँ सिर्फ यूं पूछ लेता है एक्सप्रेस 15 एज ए परसेंटेज ऑफ 75, ठीक है, बात वही है कि 75 में से 15 नंबर आए हैं बंदे के, लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह दे दिया एक्सप्रेस 15 एज ए परसेंटेज ऑफ 75। तो आपने वो क्वेश्चन देके घबरा नहीं जाना, नोट करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, पूछी उसने बेसिक ही हुई है। आगे चलिए, अब वो कह देता है, दूसरी तरह पूछ लेता है क्वेश्चन को, अब वो कहता है 75 एज ए परसेंटेज ऑफ 15, ठीक है, 75 ऐसे परसेंटेज ऑफ 15। इसमें ना आप मैथ के अंदर दो तरीकाकार मैंने आपको बताया, एक तरीकाकार होता है आप माइंड से अंदाजा लगा लेते हैं चीजों का, एक तरीकाकार होता है फार्मूला याद रखना होता है। इसमें जो फार्मूला याद रखने वाला तरीका है वो ज्यादा बेहतर होता है, जो माइंड से आप निकाल लेते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग से, उसमें थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, वो गलत हो सकता है, लेकिन जब आप फार्मूला याद करके निकालेंगे ना जवाब, तो वो आसानी से निकल आएगा। इसलिए मैथ गेम ही फार्मूले की है। अब देखें, पीछे आपको फार्मूला मैंने बताया था 75 एज ए परसेंटेज जो 15 आ गया, तो
पहली क्वांटिटी बटा हुआ सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। यहाँ उसने पूछ लिया 75 एज ए परसेंटेज ऑफ 15, पहली क्वांटिटी आ गई आपकी 75 बटा आपने कर दिया 15, जरा आपने कर दिया 100, इसको जमा तकसीम करके निकालेंगे तो 500 जवाब आएगा, 500%। क्या वो 15 छोटी क्वांटिटी है, वो 15 का पूछ रहा है, 75 एज ए परसेंटेज ऑफ 15 क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने पहली क्वांटिटी डिवाइड की दूसरी क्वांटिटी से और मल्टीप्लाइड कर 100 के साथ, आपका जवाब आ जाएगा। अब आ जाए अगला फार्मूला परसेंटेज के हवाले से, परसेंटेज इंक्रीज। बाज बात ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 500 का मतलब क्या हुआ, 500% का मतलब क्या हुआ, के 500%, 500 गुना वो चीज ज्यादा बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल पिछली स्लाइड पे चलते हैं, देखें 15 / 15 हो तो 15 में से एक बच्चे ने 15 नंबर हासिल किए, ये कितने परसेंट होंगे उसके नंबर, 100%। एक बच्चे ने 30 नंबर हासिल करनी है 15 में से, उसके कितने नंबर होंगे, चलो नंबर ना लगाओ, आप ये समझो कि 15 रुपए जो बच्चे के पास थे उसने प्रॉफिट हासिल किया पूरे 15 रुपए, उसने एक चीज 15 की 15 रुपए में बेच दी, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 100%। एक बच्चा था उसके पास 15 रुपए की चीज थी, उसने 30 रुपए में बेच दी,